कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट फोर। इसमें हम अल्केन को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी हम ये पढ़ेंगे कि अल्केन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या क्या करता है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये अपने बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, ये अपना रिजल्ट लेके कैसे आएगा, इसके मोलेक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे, आईपैक नेम क्या होंगे, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से। जैसा आपको पता है, इस नाम से ही पता होगा, इसमें हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन ऑलरेडी कार्बन, तो मैं लिख सकता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, दी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हमने उसका नाम हाइड्रोकार्बन रखा। अब हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड फॉर्म हुए, उनमें ये देखा गया, क्या पाया गया, कि जो कार्बन के जो एटम है, वो जो कार्बन एटम से लिंक होता है, तो कुछ तो कार्बन एटम ऐसे मिले जिनमें सिंगल बॉन्ड मिला, कुछ कार्बन एटम ऐसे मिले जिनमें डबल बॉन्ड मिला, और कुछ कार्बन के कंपाउंड ऐसे मिले जिनमें ट्रिपल बॉन्ड मिला। तो अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा, पर उससे पहले मैं सिर्फ एज्यूम कर लेता हूँ, रीजन भी है इनके, क्या रीजन है इनके नेम रखने के, पर मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, रीजन में नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंगल बॉन्ड वाले को, इस सिंगल बॉन्ड वाले को साइंटिस्टों ने नाम दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो बता ही देता हूं, और इन दोनों का नाम रखा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एक बात सोचिए, थोड़ी देर के लिए हिंदी में आते हैं, तो सैचुरेटेड का मीनिंग होता है संतृप्त, और हिंदी में चलो तो इसका मीनिंग होता है संतुष्ट, माने जिनको नो नीड टू समथिंग एक्स्ट्रा। इसको अगर इंग्लिश में कहोगे तो ये होता है कि जिसको किसी भी चीज की अब इच्छा नहीं है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल चुका है, नो नीड ऑफ एनीथिंग एक्स्ट्रा, एनीथिंग एक्स्ट्रा, यानी कि अब कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना था सब मिल चुका था, दैट इज वाई इट इज संतुष्ट, यानी दैट इज वाई इट इज सेटिस्फाइड, वी कैन ऑल्सो से सेटिस्फाइड। इस कंपाउंड का नाम रखा गया सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड वाले को, अभी बताऊंगा और भी इनके नाम है, इसको बोला गया असंतृप्त, असंतुष्ट, मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड मीन्स नीड, नीड समथिंग एक्स्ट्रा। देखो एक बात बताता हूं, आप अभी ये वर्ड सोच के सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों बता रहा है, आपको ध्यान से अटेंटिवली नोटिस करिए, जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन, तब आपको मैं बताऊंगा कि ये असैचुरेट, असंतृप्त या असंतुष्ट या नॉट सेटिस्फाइड, अपने आप आपको बताएगा कि अगर ये पढ़ लेते तो हमें एडिशन रिएक्शन आ जाता। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैं इन एडवांस इन चीजों को बता रहा हूं कि वहां पे आपको ये सबसे ज्यादा जरूरत होगा। अब मैं आपको इनके नेमिंग में ले चलूंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूं, फिर
अब मैं आपको कार्बन के जो रियल में तो जो साइंस डेवलप हुआ वो यूरोपियन कंट्री से हुआ, तो लैटिन लैंग्वेज में कार्बन को बोला गया अल्क, उनकी लैंग्वेज में। जहां भी आप ALK अल्क लिखा हुआ देखो तो उसे कहो कार्बन, कार्बन मीन्स अल्क, अल्क मीन्स कार्बन। फिर इनकी काउंटिंग की गई, काउंटिंग में आपको मैंने ग्रेफाइट और डायमंड एलोट्रॉप्स जो बताया उनमें बताया हुआ कि ढेर सारे कार्बन आपस में लिंक होते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें वर्सटाइल नेचर का, वहां डिस्कस की जाएगी। तब तक मैं सिर्फ सिंपल सिंपल रखता हूँ काउंटिंग, जिसमें हमने C1 को, हमने नहीं वहां के साइंटिस्टों ने कहा, इथ कहा की साइंटिस्टों ने, इंटरनेशनल IUPAC इंटरनेशनल यूरोपियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कार्बन की काउंटिंग करे और उनमें C1 को लिखा मिथ, C2 को लिखा इथ, C3 को बोला गया प्रॉप, C4 को बोला गया पेंट, नहीं गलत लिख रहे हो, ब्यूट, C5 को बोला गया पेंट, C6 को बोला गया हेक्स, एंड C7 वाज कॉल्ड हेप्ट, C8 वाज नोन एज ऑक्ट, C9 वाज नोन एज, कोई नॉन लिखता है कोई न्यून लिखता है, आप जो लिखना चाहें लिखें, C10 डेक, C11 मोनोडेक, C12 डोडेक। मीन्स इसके क्या हुए कि आप कंपाउंड अभी फॉर्म करेंगे, हम वहां पे कार्बन काउंट करेंगे और इनकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग इनका नाम लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 रफली मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, और पॉइंट नंबर 2 क्योंकि बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं यहाँ पे ये साइन डाल रहा हूं और ये पेज पलटूंगा फिर कंफ्यूज नहीं होना है। बेहद अटेंटिवली याद रखिए, बेहद अटेंटिवली, और जो साइंस लेने वाले उनके लिए तो बैकबोन है, कार्बन लिंक्ड विद कार्बन बाय अ सिंगल बॉन्ड, फिर से सुनिए, कार्बन लिंक्ड विद कार्बन विद ए सिंगल बॉन्ड इज नोन एज, दैट सिंगल बॉन्ड इज नोन एज ANEN, ये याद रखना है, नॉट सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, नॉट सिंगल बॉन्ड विद नाइट्रोजन एंड अदर एटम, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज नोन एज एन। कई क्वेश्चन करते हैं, कई बार करते हैं बच्चे, ये मैं साफ बता देता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज नोन एज ENEN, मीन्स ओनली बॉन्ड बिटवीन कार्बन, नॉट डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, नॉट डबल बॉन्ड विद अदर एटम, द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज नोन एज ENE। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, ओनली फॉर कार्बन, नॉट विद नाइट्रोजन, बिटवीन नाइट्रोजन, नोन एज द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज नोन एज YNE। सो अब हमारे बॉन्ड की काउंटिंग सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE हो गया और कार्बन की ये काउंटिंग हो गई। अब हम इसमें नंबर 1 पे लेते हैं अल्क और प्लस N। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अल्क हमारा रिप्रेजेंट करेगा कार्बन को और N हमारा रिप्रेजेंट करेगा सिंगल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो ये लिखा हमने ये हमारा क्या हो गया अल्केन, यानी कार्बन लिंक्ड विद सिंगल बॉन्ड, कार्बन
linked with single bond. अब इसका जनरल फॉर्मूला साइंटिस्टों ने बताया, जनरल फॉर्मूला बताया CnH2n+2। तो अगर मैं इसमें n=1 पुट करूंगा, यहां डालूंगा n=1, तो कितना बनेगा C1H2×1+2, दैट मीन्स व्हाट, CH2+2 4, दिस इज नोन एज व्हाट, मोलेक्यूलर फॉर्मूला। आगे से मैं इसे MF लिख दूंगा, अभी लिख दिया पूरा नाम, मोलेक्यूलर फॉर्मूला, आगे से MF लिख दूंगा, CH4। अभी दूसरे नंबर पे इसको हमें बताना पड़ेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जिन्हें हम क्या कहते हैं, इसे दूसरे नाम बेसी इससे भी पूछते हैं और ये पेपर में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एंड दैट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे, देखिए सबसे पहले कार्बन लीजिए, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होती है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको ये पता है हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन की 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, एंड वी हैव 4 हाइड्रोजन, 1 दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4। अब देखो इच इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स पेयर, यहाँ भी पेयर, यहाँ भी पेयर, यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी पेयर है, हर जगह पेयर हो रहा है, तो ये जो पेयरिंग हो रही है, और डुप्लेट बताया था हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन यानी डुप्लेट पूरा हो रहा है, यानी कि कार्बन के कितने पूरे होने चाहिए थे, ऑक्टेट, काउंट करके देखिए, ये अभी काउंट करके दिखाता हूं, देखो 2, 4, 6, 8 ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर। अब मैं आपको इसका थर्ड प्रॉपर्टी दिखाता हूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कैसे, ये वाला सी लिखेंगे हम, उसके बाद देखिए यहां सिंगल बॉन्ड बना, फिर यहां ऊपर सिंगल बॉन्ड बना, फिर इधर सिंगल बॉन्ड बना, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड बना, और अब मैं यहां क्या लिखूंगा, H H H H, दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब नंबर हमारा 4 है, नंबर 1 पे मोलेक्यूलर था, नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन डॉट, नंबर 3 पे स्ट्रक्चरल, अब नंबर 4 पे हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम लिखते हैं। देखिए हमारे पास अभी क्या आया, ये आया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करो, कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 1 कार्बन को क्या बोला जाता है, मिथ, इसलिए मैं यहाँ मिथ लिखूंगा, और मैंने ये कहा था कि हम वो पढ़ रहे हैं जिनमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एन, तो ये क्या बन गया, मीथेन, यानी मार्सी गैस, यानी दलदल वाली प्लेस में पाई जाने वाली गैस, यानी CNG में पाई जाने वाली गैस। अब मैं इसका एक सेकंड कंपाउंड आपको बना के दिखाता हूं, फिर आपको खुद प्रैक्टिस करना है। देखिए सेकंड कंपाउंड, जनरल फॉर्मूला हमारा क्या था, CnH2n+2, मैं इनमें n=2 डालता हूं, डाल के देखिए क्या बनता है, ये बनता है, अभी मैंने कहा था आपको मोलेक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है, 2 डालो यहाँ कितना हुआ C2, यहाँ डालो कितना हुआ H2×2 और +2, तो क्या बन गया, ये बन गया C2H6 नंबर 1। अब हमारा नंबर 2 क्या बनेगा, नंबर 2 बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसे हमने लुईस स्ट्रक्चर कहा था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर,
यानी जिन्हें हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहा था, ये कैसे बनेगा? तो देखिए, कार्बन हमारे पास कितने हैं? दो हैं, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। इन दोनों कार्बन को हमने इनके इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि चार इलेक्ट्रॉन है, और इसके भी चार इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4। अब इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1, 2, 3 1, 2, 3। अब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी है और 6 इधर भी है, 1, 2, 3। ये देखो इस हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरा, इसके भी डुप्लेट पूरा, इसके भी डुप्लेट पूरा, इसके भी डुप्लेट पूरा, इसके भी डुप्लेट पूरा। अब इस कार्बन के देखो, ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, कैसे? 2, 4, 6, 8। इस कार्बन के देखो, ये ऑक्टेट पूरा हुआ, कैसे? 2, 4, 6, 8। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब नंबर 3 पे क्या आएगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये कैसे होगा? तो सी, और ये इधर देखिए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देयर आर 4 बॉन्ड, तो 1, 2, 3, 4, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के देखिए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब इनके 3 हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, इसके ऑक्टेट पूरा। इसके देखो, 1, 2, 3, 4, ये वाला 2 बार काउंट होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, 8, 4 बॉन्ड हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? तो नेक्स्ट होगा हमारा, अब एक और ऐड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्मूला क्या था? अभी देखिए, आपको मैं इधर दिखाता हूँ। अभी आपने क्या बनाया? ये बनाया था, फॉर्म करा, और ऐसे ही आपने ये वाला फॉर्म किया। तो मैं इसको कंडेंस, कंडेंस कैसे करोगे आप? कंडेंस मीन्स क्या होता है कि आप इसके, इनको एक ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो छोटे छोटे पार्ट में। तो ये CH3 एक साथ हो रहा है, और ये वाला CH3 आपका एक साथ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कंडेंस फॉर्मूला। इसका बेनिफिट क्या है? तो काउंटिंग इजी होगा, और आगे मैं रिएक्शन दिखाऊंगा, वो लर्न करने में इजी होगा। अब इसका 5th पार्ट क्या करना है? तो IUPAC नेम, ये याद करना, IPAC नेम। कैसे करना है? तो मैंने बार बार बताया है, इनमें कार्बन की काउंटिंग देखिए कितना है, तो इनमें कार्बन की काउंटिंग 2 है, और 2 वाले को हमने लिखा हुआ है इथ, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, या इसी वीडियो में स्टार्ट में 2 कार्बन को हमने इथ लिखा हुआ है। और अब आप गौर से देखिए कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिंक हो रहा है, यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिंक हो रहा है, यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड से लिंक हो रहा है। और इसी सिंगल बॉन्ड का मैंने बार बार जोर देकर बताया था कि नाम होता है N, इसलिए इसका IPAC नेम क्या हुआ? N। और अब मैं आपको इसका HW दे देता हूँ, करके देखिए, CnH2n+2 पे n=3 से लेकर 10 तक का। और रह जाए या प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, लिंक करिए, शेयर अपने दोस्तों में। ओके।